ओके सो गुड मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट। पहले होमवर्क ही चेक करते हैं। यस्टरडे देर वर टू क्वेश्चंस फॉर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। सो लेट्स चेक दोज फर्स्ट, देन विल गो अहेड। क्वेश्चन 7, आंसर बोलो पहले, क्या है आपके आंसर्स? फोर ट्वेंटी वन टू हंड्रेड, ओके, एनीवन एल्स? हाँ बोलो मोहम्मद, क्या है आंसर्स? एंड सितंबर? रुको 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 रुको, सब, हाँ बोलो मोहम्मद, आगे सितंबर? ओके हाँ बोलो आता, ठीक है, ओके वही वही 421 200 आया। एंड आगे एंड अदर्स, प्रगुन, विश्वजीत, काव्या? ओके अगस्त का सेम आया होगा, 610,200 बोलना है ना तुम्हें? ठीक है, ओके ठीक है, विश्व अगस्त का सेम लेकिन सितंबर का, अच्छा ये आया मतलब, ओके ठीक है। वैभवी, काव्या, सितंबर रॉन्ग रॉन्ग, मतलब आपको काफी करेक्ट आंसर पता है, बोलो तो। ठीक है लेट्स चेक। अब आज बहुत सारे लोग नए ज्वाइन हुए, लेकिन कल से आई एम गोइंग टू नीड एवरीवन टू डू द होमवर्क। जब ऐसा होमवर्क होगा बड़ा या फिर सॉल्व करने ऐसा, तो आई माइट आस्क फॉर फोटोज ऑफ नोटबुक्स, तो सबने करना है कंपलसरी। तो ठीक है, 694,500, ओके ठीक है, लेट्स चेक देन। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019, टोटल कॉस्ट ऑफ एबीसी लिमिटेड वॉज 5,40,000, ठीक है। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट अराउंड 65% ऑफ दीज कॉस्ट आर वेरिएबल। तो मतलब 5,40,000 ये तो जुलाई का कॉस्ट है, उसमें से 65% वेरिएबल लग रहे हैं। सिक्सटी फाइव परसेंट वेरिएबल मतलब कितना रहा है? 3,51,000 इज वेरिएबल, वेर एज बचा हुआ 1,89,000 करेक्ट इज फिक्स्ड। फाइन, ये तो जुलाई के कॉस्ट है। अब इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय 20% इन अगस्त, मतलब अगस्त में प्रोडक्शन 20% से इंक्रीज हो गया, ठीक है, टेल मी, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया अगस्त में, तो विच कॉस्ट विल इंक्रीज, वेरिएबल और फिक्स्ड? वेरिएबल, अगर प्रोडक्शन 20% से बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से ही बढ़ेगा। सो 351,000 जो है उसमें प्लस 20% किया या फिर इंटू 120% किया, तो कितना आता है? 421,200, वेरस दिस विल रिमेन सेम एज 1,89,000। सो टोटल अगस्त का कॉस्ट जो है 6,10,200 इज द करेक्ट आंसर, जो आया है सबका मोस्टली करेक्ट जो आया है। फाइन, अब सितंबर में अलग अलग आंसर सबके क्यों आया है? क्योंकि देखो उन्होंने बोला है प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 20% इन अगस्त एंड फर्दर 25% इन सितंबर। फर्दर 25% मतलब अब ओरिजिनल से 25% बढ़ाना है या अगस्त से 25% बढ़ाना है? एनीवन? अगस्त से? एनीवन एल्स? अगस्त से ही करना चाहिए आइडियली, राइट? फाइन, तो अच्छा वो नंबर डिटेक्ट हो रहा है वो जो मैंने लिखा है।
फर्दर 25% मतलब क्या, उसके आगे 25%, दैट मीन्स अगस्त के आगे हमने 25% प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, तो फिर सितंबर का कॉस्ट हो जाएगा 421,200 प्लस 25% विच इज करेक्ट 5,26,500, वेर एज फिक्स्ड कॉस्ट विल स्टिल रिमेन सेम। तो 7,15,500 इज द करेक्ट आंसर, अल्ताफ विश्वजीत करेक्ट, गुड। एंड बाकी लोगों ने शायद शायद आप लोगों ने प्लस 25% किया होगा, चेक करो, ऐसा ही किया था ना। हाँ तो ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। अच्छा वापस 20 ही लिया था, ओके। देखो ये फर्दर 25% दैट इज इम्पोर्टेंट, फर्दर मतलब क्या, उसके आगे 25% बढ़ रहा है, तो टोटल कॉस्ट विल बी दिस एंड दिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके जो लोग पहली बार आए लेक्चर में, आकांक्षा, श्रावणी, सलोनी, इज इट क्लियर? हाँ मतलब वही, ये क्लियर है ना, पहले लेक्चर्स देखे आपने? ओके गुड, ओके फाइन। वही वही तुमने भी वही किया ना, 694,500 के लिए वही किया होगा तुमने शायद, ओरिजिनल से प्लस 25% किया होगा, राइट? 351 में 25% ऐड करके उसमें 189 किया होगा, तो सिक्स तो अलग, ये कहाँ से है 4,694,500? ये भी किसी का तो आया था 694,440। कैसे? अच्छा मतलब तुमने जो किया था वही भाई, भाई ने किया, मतलब 20% ही ऐड किया उसने। कुछ भी मतलब, हाँ। प्रेजेंटेशन वाइज अगर ऐसा ही क्वेश्चन आया इतना छोटा सा, तो आप कर सकते हो, ऐसा चाहिए तो प्रेजेंटेशन ठीक से लिखो बस वहाँ पे, 20% इंक्रीज इन प्रोडक्शन, या पे भी लिखो 20% इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यहाँ पे ठीक से लिखो कि ये वेरिएबल है फिक्स्ड है, यहाँ पे ठीक से लिखो कि ये जुलाई का कॉस्ट है बस, तो ठीक है फिर। अदरवाइज फिर चार्ट में प्रेजेंट किया तो भी चलेगा, टेबल में प्रेजेंट किया तो भी चलेगा, एनी प्रेजेंटेशन इज फाइन एज लॉन्ग एज द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, द पर्सन रीडिंग इट अंडरस्टैंड इट। तो ठीक है, दिस वॉज क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 8 भी होमवर्क था, 52,000 के लिए दे आर आस्किंग कॉस्ट्स, अगेन आंसर्स बताओ मुझे पहले आपके, देन विल चेक। ओके एनी अदर आंसर? ओके फाइनल आंसर नहीं अलग, ओके ठीक है, लेकिन कुछ तो विश्वजीत आया होगा, टोटल किया नहीं क्या उसने तुमने उसका फिर, या कोई एक दो कॉस्ट नहीं समझे, सेलिंग ओवरहेड्स नहीं समझा? ओके ठीक है, वैभवी सेम आया, ठीक है, मोहम्मद लास्ट के, अच्छा ओके ओके ठीक है, और किसी का आंसर आया तो बोलो, अदरवाइज लेट सॉल्व इट हियर। हेड लिमिटेड हैज फॉलोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर द ईयर जस्ट एंडेड, रॉ मटेरियल कॉस्ट फुल्ली वेरिएबल, लेबर कॉस्ट 1/3 वेरिएबल, फैक्ट्री ओवरहेड 70% फिक्स्ड, सेलिंग ओवरहेड्स में कुछ तो दिया है वो पढ़ते बाद में। इन नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 52,000 यूनिट्स फ्रॉम करंट लेवल ऑफ 40,000 यूनिट्स, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है करते हैं कैलकुलेट, ट्राई करते हैं। लेट्स मेक अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। ओके अब एक चीज याद रखो सब लोग, ये फर्स्ट मतलब ये क्वेश्चन बैंक में दो ही क्वेश्चन से सॉल्व करने से इसलिए, बट नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक से या अभी से आपका जो क्वेश्चन आंसर वाला नोटबुक है उसको कंपलसरी पेज नंबर डालो सब लोग। एंड हाँ फॉर्मूला बुक में किया तो छोड़ दो, अभी वही बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर से, यहाँ पे तो दो ही क्वेश्चन से सॉल्व करने जैसे, बट नेक्स्ट चैप्टर से फॉर्मूला अप्लाई,
क्वेश्चन आंसर नोटबुक जो है आपका, उसको पेज नंबर डालो और यहाँ पे वो पेज नंबर लिखते जाओ, मतलब अब इसका प्रिंट नहीं है आपके पास, बट कहीं पे तो नोट करते जाओ वहाँ पे फॉर्मूला बुक में कि पेज नंबर 9, 10, 11, एंड फिर कहीं पे तो एक इंडेक्स बनाओ कि ये क्वेश्चन इस पेज पे लिखा है, ये क्वेश्चन इस पेज पे लिखा है, बिकॉज आगे जाके यहाँ पे ये चैप्टर में तो कम क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 12, क्योंकि इस चैप्टर में मॉड्यूल में तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं, मैंने ही डाले ये क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा, बट आगे जाके इन सम चैप्टर्स देर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, 20, 30, 50, 60, 70, राइट? तो उसके लिए आपको मतलब बाद में अदरवाइज आइडेंटिफाई नहीं होगा उतने क्वेश्चंस कि कहाँ से कहाँ गया और क्या कहाँ पे लिखा है हमने, तो इसलिए ऐसा करो। तो ठीक है, लेट्स मेक अ स्टेटमेंट। पर्टिकुलर रुपीज, फर्स्ट रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो फुल्ली वेरिएबल है, फुल्ली वेरिएबल है मतलब फिर पर यूनिट बेसिस पे सेम रहता है वो। ये तो आइडियली सबका करेक्ट आना चाहिए। 15,50,000 जो है दैट इज फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? करेक्ट, 15,50,000 इज फॉर 40,000 यूनिट्स। तो पर यूनिट जो भी आएगा उसको हमें अब कितने यूनिट से मल्टीप्लाई करना है? 52,000। तो ये तो सबका आया होगा आइडियली 20,15,000। तो कहने से आता है एक ही स्टेटमेंट में करते तो चल जाता, राइट? हाँ, तो एक ही टेबल में बनाओ ना, डायरेक्टली कैलकुलेशन करो, दैट इज आल्सो ओके। यहाँ पे कहीं भी बोला नहीं था कि वेरिएबल फिक्स में बैकलेट करना है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो। जस्ट गो बाय सीक्वेंस। विश्वजीत और मोहम्मद, तुम्हारा भी आया है करेक्ट ये? ठीक है, फिर लेबर कॉस्ट, दे आर सेइंग इट इज 1/3 वेरिएबल, तो लेट्स राइट लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में वेरिएबल एंड फिक्स्ड लिखते हैं। अब वेरिएबल के लिए अभी वो कॉस्ट कितना है? 7,50,000 रुपीज। उसका कितना वेरिएबल है? 2,50,000, बिकॉज 1/3, राइट? सो ये वेरिएबल कॉस्ट है, इसको हमें सेम करना पड़ेगा पर यूनिट करके कि 40,000 यूनिट्स के लिए इतना है तो 52,000 यूनिट्स के लिए कितना, राइट? सो 7,50,000 का 1/3 इज 2,50,000, दैट इज फॉर 40,000 यूनिट्स, तो हाउ मच फॉर 52,000 यूनिट्स? चेक इफ एवरीवन हैज गॉट 3,25,000। आया? ओके गुड। एंड फिक्स को कैसे करेंगे? करेक्ट, 7,50,000 का जो 2/3 होगा बचा हुआ कॉस्ट वो तो उतना ही रहेगा, वो फिक्स्ड है, मतलब उसको कुछ करेंगे नहीं, 5 लाख ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सी फैक्ट्री ओवरहेड। किसको? हाँ, अभी एबीसी क्यों लिखता हूं मैं कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझेगा, आपने भी ऐसा ही लिखना है। क्यों बोलता हूं? क्योंकि अगर कभी आगे जाके आपको ऐसा करना पड़ा, पॉइंट सी में आपको लेट से सब टोटल लेना है कभी आगे जाके, तो यू कैन राइट देयर ए प्लस बी। जो भी वो नंबर्स लिखे होंगे आपने, ए बी सी डी, वो इंडिकेट कर पाओगे वहां पे कि फॉर एग्जाम्पल हम ए इंटू बी डिवाइडेड बाय सी कर रहे हैं, ऐसा कुछ। अगर आपको वापस लिखना नहीं पड़ेगा हर बार कि आप फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हो, तो इसलिए आदत डाल दो अभी से वो ए बी सी यूज करने की, नेक्स्ट चैप्टर से हो जाएगी आपको आदत की ऐसे ही करना है हर बार। ओके, थर्ड कॉस्ट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। 2,34,000 ऑफ विच 70% इज फिक्स्ड। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स उसका भी लेट्स टेक वेरिएबल फिक्स्ड, सो 2,34,000 का 70% फिक्स्ड है, मतलब 30% वेरिएबल होगा, एंड दिस इज फॉर 40,000 यूनिट्स, हाउ मच फॉर 52,000 यूनिट्स? सेम, राइट? कितना आता है? लेट्स से
कितना आ रहा है सबका देखो, 91 260 आ रहा है सबका। टू लैख 34,000 का 70% इज फिक्स्ड, दैट इज 163,800। फाइन, देन कॉस्ट डी सेलिंग ओवरहेड्स। नाउ कॉन्सेंट्रेट, अभी वो 69,000 है एंड दे आर सेइंग फॉर एवरी 5,000 इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और पार्ट देयर ऑफ, सेल्स एजेंट्स नीड टू बी पेड ₹5,500। ठीक है, मतलब 5,000 से अगर यूनिट्स इंक्रीज हुए, अभी फॉरगेट अबाउट दिस, अगर 5,000 से यूनिट्स इंक्रीज हुए तो 5,500 से कॉस्ट इंक्रीज होता है, इज दैट करेक्ट? बट अब कैसे दिखा है बोलो, 5,000 इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और पार्ट देयर ऑफ, मतलब 5,000 का थोड़ा सा पार्ट भी इंक्रीज हुआ, मतलब 5,000 ही नहीं, 4,000 यूनिट्स भी इंक्रीज हुए, 2,000 यूनिट्स भी इंक्रीज हुए, एक यूनिट भी इंक्रीज हुआ तो भी सेल्स एजेंट्स को 5,500 देने पड़ते हैं। मतलब दिस इज विच काइंड ऑफ कॉस्ट? स्टेप लैडर कॉस्ट, करेक्ट? डज एवरीवन एग्री कि देखो, एक से लेके 5,000 तक यूनिट्स बढ़े हमारे, 1 to 5,000, तो कॉस्ट 5,500 से बढ़ेगा, उसके आगे और 5,000 से बढ़े यूनिट्स तो कॉस्ट और 5,500 से बढ़ेगा। सो डज एवरीवन एग्री कि वो ऐसे दिखेगा? देखो तो अभी तो 69,000 है, उसका तो कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें उन्होंने क्या बोला है, इंक्रीज के बारे में बोला है सिर्फ आगे, तो 69,000 तो ठीक है, मतलब सेलिंग ओवरहेड जो है अब तो 69,000 तो एग्जिस्टिंग है, उसमें अब ऐड करते हैं कि कितना इंक्रीज होगा आगे जाके। फोर्टी थाउजेंड का 52,000 होने वाला है। करेक्ट, मतलब 12,000 से इंक्रीज हो रहा है ना, कॉन्सेंट्रेट केयरफुली। मतलब कहने से पहले 40 to 45 जाते वक्त एक बार बढ़ेगा। यस नो, समझा सबको? फाइन, फिर 45 से 50 तक और एक बार बढ़ेगा एंड देन कहने से 50 से 52 तक और एक बार बढ़ेगा क्योंकि पार्ट देयर ऑफ है। मतलब 3 बार कॉस्ट बढ़ने वाला है, मतलब कितने अमाउंट से कॉस्ट बढ़ेगा टोटल 3 बार बढ़ा तो? करेक्ट, 5,500 3 बार, सो 5,500 इंटू 3 टाइम्स तो कितना हो रहा है? हाँ, करेक्ट, लास्ट में 2,000 इंक्रीज हुआ था गया, बट दे आर सेइंग दैट फॉर एवरी 5,000 इंक्रीज और पार्ट देयर ऑफ, मतलब 5,000 या उसका थोड़ा सा पार्ट भी अगर इंक्रीज हुआ तो उनको इतना पे करना पड़ता है, राइट? इसका मतलब कहने से 5,000 का थोड़ा सा पार्ट, मतलब एक 2,000 यूनिट्स भी इंक्रीज हुए तो भी उनको 5,500 पे करने पड़ेंगे। इसलिए 3 बार बढ़ेगा फिर वो 5,500, 16,500 आएगा वो, प्लस 69,000, 85,500, करेक्ट? सो लेट मी कंफर्म द टोटल वंस। थर्टी 1,80,560, दैट इज द करेक्ट आंसर। गुड, 31,80,560 इज द टोटल कॉस्ट। सबको समझाए क्या बोलो? क्लियरली सब कुछ? ओके गुड। विश्वजीत प्रॉब्लम क्या आया था लास्ट कॉस्ट में ही आया था ना? अच्छा ओके, अगर आपने टोटल किया होगा ना तो प्रॉब्लम आता, मतलब ये 16, अगर आपने देखा ना कॉन्सेंट्रेट, ये 69,000 मैच नहीं हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि
अभी 40,000 यूनिट्स है, उसके लिए कितने बार 5,000 5,000 आता है? 40,000 में 8 बार आता है। तो अगर आपने चेक किया तो ये 8 × 8 किया तो वो मैच नहीं हो रहा है, बट ठीक है, हमें वो दिया ही नहीं है। उन्होंने क्या दिया है कि इसके आगे जब इंक्रीज होगा 5,000 से तो ये इतना बढ़ेगा, तो अभी के कॉस्ट उतना ही रखना पड़ेगा हमें, बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एंड लिख रहे हो तो बोलो, रुकता हूँ, फिर स्क्रॉल स्क्रॉल अप करो। ओके डन। ओके नोट्स करना, हाँ विल डिस्कस, बोलता हूँ कैसे करना है आगे की चैप्टर से। इस चैप्टर के लिए तो मैंने अलग से भेजे थे। ओके नाउ ये हमने क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। अब तक हमने क्या क्या क्लासिफिकेशन देखे? फर्स्ट वॉज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑब्लिक एलिमेंट। नेचर ऑब्लिक एलिमेंट के बेसिस पे कॉस्ट इज क्लासिफाइड इनटू मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। करेक्ट। ऑल थ्री आर फर्दर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। करेक्ट। ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट टुगेदर आर कॉल्ड एज ओवरहेड्स। ओवरहेड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एज मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इफ एप्लीकेबल। ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी वी सॉ द क्लासिफिकेशन एज वेरिएबल फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड स्टेप लैडर कॉस्ट। ठीक है। मॉड्यूल में अगर आपने देखा तो स्टेप लैडर कॉस्ट नहीं दिया है वहां पे, बट इस पे कुछ क्वेश्चंस हमें आगे जाके आएंगे, सो विल सी दोस। देन अब लेट्स गो टू नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि ये फोर्थ क्वेश्चन फाइनल के मॉड्यूल का है, ऐसे बोला था, ओल्ड सिलेबस के मॉड्यूल का। वैसे ये नाइन्थ क्वेश्चन भी फाइनल के ओल्ड सिलेबस के मॉड्यूल का है, तो आपको थ्रू आउट द नोट्स, थ्रू आउट द सिलेबस बहुत क्वेश्चन दिखेंगे सीए फाइनल के नोट्स के। दिस इज बिकॉज समझ लो, अब न्यू सिलेबस में जब ओल्ड से न्यू सिलेबस में शिफ्ट हुआ तो देर वॉज एक्चुअली नो चेंज इन चैप्टर्स, एक चैप्टर ऐड हुआ सिर्फ। चैप्टर्स क्या है बताया नहीं मैंने अब तक, ये चैप्टर के एंड तक समझेगा आपको कल तक। बट जब न्यू सिलेबस में शिफ्ट हुआ तो देर वॉज नॉट मच चेंज, बट द प्रॉब्लम इज फाइनल का सिलेबस अब चेंज हुआ है न्यू सिलेबस में। फाइनल का सिलेबस इज एंटायरली डिफरेंट, तो वहां से कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो आपको भी थे और उनको भी थे। तो इसलिए जनरली इंटर में लोअर डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन पूछते थे एंड फाइनल में हायर डिफिकल्टी वाले पूछते थे, लेकिन अब फाइनल से वो चैप्टर हटा दिए है तो आपको ही हायर डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस आते हैं अब जनरली। इसलिए आई हैव इंक्लूडेड फाइनल के क्वेश्चंस आल्सो, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब जहाँ पे एप्लीकेबल है तो वो भी हमें करने हैं। ठीक है। अब लेट्स गो टू नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। किसी को याद है वो ओरिजिनल चार्ट पे जाओ और मुझे बोलो व्हाट इज द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। करेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। बिफोर वी गो टू दिस क्लासिफिकेशन, इसमें तो दो ही टाइप्स आने वाले, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल, वो तो ठीक है। बट बिफोर वी गो देयर टेल मी, लेट्स से वी हैव फैक्ट्री का रेंट है हमारा, लिखो मत कुछ, फैक्ट्री का रेंट है सपोज, एंड फैक्ट्री में एक मैनेजर है जो सिर्फ
हमारा स्टोर्स डिपार्टमेंट जो है, स्टोर्स मतलब जहाँ पे गुड स्टोर करते हैं हम, तो वो स्टोर्स डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है। टेल मी, वो स्टोर्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसको हमने फैक्ट्री रेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं? ओके, एनीवन एल्स? नहीं करना चाहिए? अदर्स, व्हाट डू यू थिंक? बोलो प्रगुन, क्या क्वेश्चन? देखो, फैक्ट्री रेंट के लिए स्टोर्स मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना चाहिए या नहीं? नहीं, क्वेश्चन है बस। नहीं करना चाहिए? ओके, वेबर इज ऑल्सो सेइंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए इज करेक्ट, बिकॉज वो स्टोर्स मैनेजर तो सिर्फ स्टोर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी फैक्ट्री तो बड़ी होगी, उसमें एक छोटा सा स्टोर्स डिपार्टमेंट हुआ कहीं पे, तो स्टोर्स मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर दिस एंड इसके रिलेटेड चीजें, राइट? वैसे ही परचेस मैनेजर जो होगा वो परचेस डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और उसके काम के लिए। लेट से एक परचेस मैनेजर है, कहने से परचेस मैनेजर को हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर सकते हैं, किसके लिए? रॉ मटेरियल परचेस के लिए। इज दैट करेक्ट? रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए कर सकते हैं शायद, चाहिए तो फिर रॉ मटेरियल के क्वालिटी के लिए कर सकते हैं होल्ड उसको रिस्पॉन्सिबल, बट मुझे बोलो परचेस मैनेजर को लॉस इन स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि एक बार परचेस किया तो उसका क्या काम है फिर, राइट? स्टोरेज में अगर लॉस हुआ तो दैट इज स्टोर्स मैनेजर फॉल्ट। तो कहने से एवरी पर्सन और एवरी डिपार्टमेंट इन द कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट थिंग्स। तो इसके लिए हमें एक कंसेप्ट देखना है पहले छोटा सा, बिफोर वी गो टू दिस क्लासिफिकेशन। तो इसके अंडर अब एक पॉइंट लिखो, वी हैव टू सी समथिंग कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, लेट्स से क्या कंसेप्ट होता है, लेट्स सी। पहले लिखो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉस्टिंग में बहुत जगह पे आपको ये वर्ड आएगा एंड वो आने पर आपको समझना चाहिए। श्रावणी, मुझे बोलो, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या आपको अभी भी? तुम्हें अभी भी इससे सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज व्हाट, उसको डिफाइन करते पहले। इट इज एनी पर्सन, और डिपार्टमेंट मतलब कोई पर्सन इंडिविजुअली या कोई डिपार्टमेंट कलेक्टिवली। नॉट ओनली पर्सन और डिपार्टमेंट, इट कैन बी अ पर्टिकुलर मशीन। ये मशीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ऑब्वियसली उसको होल्ड ऐसे पर्सनली नहीं रख सकते रिस्पॉन्सिबल, मशीन को नहीं बोल सकते अरे तुमने क्यों नहीं किया, बट कि वो मशीन ऑपरेट करने वाले सब लोग, मतलब सो एनी पर्सन, एनी डिपार्टमेंट और एनी मशीन एटसेट्रा, इट कैन बी एनी थिंग रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर पर्टिकुलर कॉस्ट, रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स और इन्वेस्टमेंट्स। कॉस्ट, रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स और इन्वेस्टमेंट्स डिफाइन कर लो पहले, फिर उसको देखते हैं डिटेल में क्लिक करके।
डन। ओके थैंक नेक्स्ट। उसमें फर्स्ट लिखो आप कॉस्ट सेंटर। एंड कॉन्सेंट्रेट केयरफुली, कॉस्ट सेंटर लिखो पहले। हाँ अब कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है पर्सन और डिपार्टमेंट और मशीन एटसेट्रा रिस्पॉन्सिबल फॉर सम कॉस्ट। टेल मी लॉजिकली, एक एचआर मैनेजर कौन से कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? मतलब क्या क्या ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड क्या क्या कॉस्ट आ सकते हैं? इंडक्शन प्रोग्राम, ओके। मोहम्मद युवा सेइंग समथिंग। सैलरीज, एम्प्लॉय सैलरीज मतलब जो हायर करते हैं उसके डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के सैलरी के लिए होगा। वेजेस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा क्या? एचआर वाला पर्सन वो उसको हायर करेगा राइट, लेकिन उसके वेजेस के लिए तो वो उसका मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा राइट। बट हायरिंग क्या एचआर का कुछ तो प्रॉब्लम ही आता आपको? मतलब अच्छा कि वो अच्छा okay. देखो मुझे एम्प्लॉयज के ट्रेनिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, रिक्रूटमेंट कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, स्टाफिंग रिलेटेड सब कुछ ठीक है। तो एन एचआर पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज कॉस्ट। मे बी एक परचेस मैनेजर जैसे हमने देखा रॉ मटेरियल कॉस्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लॉस एंड ट्रांजिट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, एक स्टोर्स मैनेजर स्टोरेज रिलेटेड कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन मुझे बोलो एक सेल्स मैनेजर अगर होगा तो कैन आई से ही विल बी प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग सेल्स रादर देन इनकरिंग कॉस्ट? इज दिस करेक्ट? अगर कोई सेल्स मैनेजर होगा तो प्राइमरीली वो सेल्स जनरेट के लिए करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, नॉट टू इनकर कॉस्ट राइट। तो कॉस्ट सेंटर में कौन आता है? एनी पर्सन डिपार्टमेंट मशीन मतलब एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कॉस्ट और पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉस्ट, वो लोग यहाँ पे आते हैं। जैसे कि अब सेल्स मैनेजर सेल्स एजेंट ये लोग यहाँ पे नहीं आएंगे कॉस्ट सेंटर में, क्योंकि ऑल्दो ऑब्वियसली सेल्स मैनेजर भी कॉस्ट इनकर करता है लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्टिव कॉस्ट इनकर करना है मतलब कॉस्ट सेव करना है या सेल्स बढ़ाना है? सेल्स मैनेजर का ऑब्जेक्टिव सेल्स बढ़ाना, तो वो आएगा रेवेन्यू सेंटर में आगे जाके। तो परचेस मैनेजर का रेवेन्यू बढ़ाना ऑब्जेक्टिव है क्या अल्ताफ? करेक्ट ना, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे उसका ऑब्जेक्टिव है, मतलब कहने से गुड्स कम कॉस्ट में प्रोड्यूस हो रहे उसका ऑब्जेक्टिव है। इट इज नॉट हिज ऑब्जेक्टिव कि गुड्स का सेल्स बढ़े, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता उसके लिए राइट। तो लेट्स डिफाइन कॉस्ट सेंटर। चलो कॉस्ट सेंटर को डिफाइन करते हैं। देखो इट इज एनी सेम पर्सन डिपार्टमेंट एटसेट्रा, इट इज एनी पर्सन डिपार्टमेंट मशीन कुछ भी मतलब पर्सन डिपार्टमेंट एटसेट्रा रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉस्ट, अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉस्ट, अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल परचेस मैनेजर, एचआर मैनेजर एटसेट्रा, मतलब सब लोग, बहुत सारे लोग इसमें ही आएंगे कॉस्ट सेंटर में। ओनली द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट सेल्स विल कम इन दिस। इट इज एनी पर्सन डिपार्टमेंट एटसेट्रा रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब मुझे बोलो ये जो कॉस्ट सेंटर होगा, कॉस्ट सेंटर मतलब वो पर्सन या डिपार्टमेंट कोई भी हो सकता है उसको कॉस्ट सेंटर ही बोलेंगे हम। तो ये जो कॉस्ट सेंटर होगा उसका परफॉर्मेंस हमें मेजर करना है, तो आइडियली हमने क्या मतलब क्या कर सकते हैं?
कि वेदर ही हैज परफॉर्म्ड वेल और नॉट, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम? कम कॉस्ट में काम किए तो एफिशिएंट कितने थे, ठीक है, वेरी गुड, पास्ट के रिकॉर्ड्स क्या है उस पे, मतलब उसने कैसे किया है लास्ट फ्यू इयर्स में। ये तीन कंबाइन करके, कैन वी डू समथिंग लाइक दिस, कि वी कैन गिव हिम अ टारगेट एट द बिगिनिंग एंड देन वी कैन कंपेयर हिज एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये जो टारगेट सेट करते हैं, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो भी हम एस्टिमेट निकालते हैं कि ओके परचेस मैनेजर ने नेक्स्ट ईयर में ऐसे ऐसे कॉस्ट इनकर करने चाहिए अराउंड, इसको बोलते हैं बजटेड कॉस्ट। इसको बोलते हैं बजटेड कॉस्ट। सो कहने से उनका बजट, मतलब जो हमने एस्टिमेट किया था एंड उनका एक्चुअल, वो हम कंपेयर करके देख सकते हैं। डज एवरीवन एग्री? फाइन। तो इनका परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैन बी डन बेस्ड ऑन अब देखो बजट एंड एक्चुअल का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं वेरियंस। मैथ्स वाला वेरियंस नहीं, कैन बी डन बेस्ड ऑन वेरियंसेस बिटवीन बजट्स, ब्रैकेट में लिखो स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल्स। स्टैंडर्ड्स का मतलब आई एक्सप्लेन लेटर ऑन। एक्चुअली बजट एंड एक्चुअल का डिफरेंस नहीं देते हम, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल का डिफरेंस देते हैं। ये क्या कंसेप्ट है समझेगा आपको, ये जो वेरियंस है इसके बेसिस पे मैं एक पूरा चैप्टर है कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो ठीक है अभी के लिए इतना ही नोट करो बस। तो ठीक है उनका मेजरमेंट, उनका परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर करते हैं, वेरियंस के बेसिस पे कर सकते हैं। अब मुझे बोलो विल इट हैपन कि कुछ कॉस्ट सेंटर्स के लिए ये परफॉर्मेंस मेजर करना इजी होगा एंड कुछ कॉस्ट सेंटर्स के लिए डिफिकल्ट होगा, क्यों मैं ऐसा, व्हाई आई माइट बी सेइंग दिस, एनी आइडिया? मतलब अच्छा नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल स्टफ, आई एम टॉकिंग अबाउट एक ही कंपनी में कोई पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर ऐसा हो सकता है जिसका जिसका वेरिएंस वगैरह या फिर जिसका परफॉर्मेंस मेजर करना इजी है, और दूसरा कॉस्ट सेंटर है जिसका परफॉर्मेंस मेजर करना डिफिकल्ट है। परचेस डिपार्टमेंट का इजी है, ठीक है भाई, नो फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गुड्स नहीं होते, दैट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन अल्टा, राइट, बट एटलीस्ट कहने से परचेस डिपार्टमेंट में देर इज अ रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। परचेस डिपार्टमेंट में जितना परचेस करोगे उसका आउटपुट से कुछ तो रिलेशन कर सकते हैं, मतलब कहने से परचेस डिपार्टमेंट में फिजिकल आउटपुट दिखता है हमें, प्रोसेसिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फिजिकल आउटपुट दिखता है हमें, लेकिन मुझे बोलो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में फिजिकल आउटपुट दिखता है क्या कहीं पे? नो। कहने से इट विल बी डिफिकल्ट टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, करेक्ट? अच्छा मतलब हाँ, मतलब देखो काव्या कि हाँ कुछ और के बेसिस पे करना पड़ेगा, दैट इज करेक्ट। काव्या देखो अगर परचेस डिपार्टमेंट है तो कहने से हमारे प्रोडक्शन के साथ परचेस का कॉस्ट भी चेंज होगा आइडियली। तो कहने से हमारे प्रोडक्शन या सेल्स के बेसिस पे परचेस वाले का परफॉर्मेंस मेजर करना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि फिर आइडियली कहा गया प्रोडक्शन 10% से बढ़ा तो थियोरेटिकली परचेस भी 10% से बढ़ने चाहिए, करेक्ट? बट मुझे बोलो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन से कुछ लेना देना है क्या? नो। तो प्रोडक्शन इतना बढ़ा इतना कम हुआ उसके बेसिस पे हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले का टारगेट सेट कर सकते हैं क्या, कि कॉस्ट हमारा प्रोडक्शन 20% से बढ़ रहा है तो तुम्हारा कॉस्ट भी 20% से ही बढ़ना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं हम? नो। तो कहने से इट माइट बी डिफिकल्ट टू सेट टारगेट एंड मेजर परफॉर्मेंस ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट बिकॉज देर इज नो कॉन्क्रीट रिलेशनशिप बिटवीन
इनपुट आउटपुट मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो आउटपुट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो काम करता है उसका, उसको हम हमारे प्रोडक्शन के साथ लिंक नहीं कर सकते, करेक्ट? उसको हम हमारे सेल्स के साथ भी लिंक नहीं कर सकते, ऑब्वियसली किसी और चीज के साथ लिंक कर पाएंगे, वो हम देखेंगे उस चैप्टर में जाने के बाद कि कैसे करना है। बट टेक्निकली फिर कुछ कॉस्ट सेंटर्स ऐसे होंगे जिनका परफॉर्मेंस मेजर करना इजी होगा, बिकॉज देर इज अ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट आउटपुट। उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर्स, लिखो उसमें एक स्टार मार्क करके स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर्स मतलब क्या, वेयर वेयर आउटपुट इज मेजरेबल, वेयर आउटपुट इज मेजरेबल, कि उनका आउटपुट हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इनका आउटपुट हम मेजर कर सकते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस मेजरमेंट विल बी कंपैरेटिवली रिलेटिवली इजियर। सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट माइट बी रिलेटिवली इजियर, रिलेटिवली इजियर, क्योंकि वहां पे हम मेजर कर पा रहे हैं कि उनका आउटपुट इनपुट का रिलेशन क्या है, या फिर उनका आउटपुट का हमारे प्रोडक्शन के साथ रिलेशन क्या है। वेयर एज जो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर्स होंगे, डिस्क्रिशन मतलब डजन इवन नो, समथिंग इज अप टू योर डिस्क्रिशन मीन्स, नो ओके, देखो डिस्क्रिशन का इन जनरल मतलब होता है डिस्क्रिशन इज अप टू यू, ओके? सो समथिंग इज अप टू योर डिस्क्रिशन मीन्स समथिंग इज अप टू यू, व्हाट एवर यू वांट यू कैन डू। सो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर को किस मतलब में लेना है यहाँ पे, कि इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इट इज रिलेटेड ऑन सम अदर फैक्टर्स, कि कोई और फैक्टर्स के बेसिस पे इनका कॉस्ट इनकर होता है, नॉट ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्शन या सेल्स। तो यहाँ पे वेयर आउटपुट इज नॉट मेजरेबल, वेयर आउटपुट इज नॉट मेजरेबल, जैसे कि हाँ कॉस्ट सेंटर के दो टाइप्स, मतलब इन शॉर्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, तो आउटपुट इज नॉट मेजरेबल हियर, तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो मत लिखो अब, लिखे ऊपर इजियर लिखा है मतलब यहाँ पे है डिफिकल्ट, वो तो ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो ये हो गए कॉस्ट सेंटर्स, मतलब पीपल या डिपार्टमेंट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम कॉस्ट्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी सेकेंड टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, विच इज रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर, करेक्ट, रेवेन्यू जनरेशन। क्या हुआ प्रगुन, ऊपर लगा ही था प्रगुन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल, रुको एक सेकेंड ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, फास्ट। ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू मतलब कौन आएगा उसमें, फिर सेल्स डिपार्टमेंट आएगा, फिर सेल्स एजेंट्स आ सकते हैं हमारे, शायद एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट कहाँ पे आना चाहिए आइडियली, मतलब कॉस्ट में या रेवेन्यू में, या कैन आई से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट प्राइमरीली, मतलब ठीक है वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं बट उनका परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते वक्त कहने से प्राइमरीली हमें कॉस्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट रेवेन्यू पे हम शायद निकाल सकेंगे हर बार, ऐसा कंपलसरी है क्या, नहीं, राइट? तो
डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का हम डायरेक्ट इम्पैक्ट निकाल सकते हैं सपोज सेल्स पे, तो फिर उनको रेवेन्यू में डालना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वैसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट की वजह से कितने लोग आए नहीं समझता है हमें, तो उस केस में कॉस्ट सेंटर ट्रीट करना माइट बी बेटर। ठीक है, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, सेल्स रिलेटेड लोग, फिर उनका भी परफॉर्मेंस सेम वैसे मेजर कर सकते हैं क्या? फिर कैसा करेंगे? उनको सेल्स का टारगेट देंगे एंड एक्चुअल सेल्स देखेंगे, करेक्ट? फाइन, तो लिखो परफॉर्मेंस मेजरमेंट, परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बेस्ड ऑन सेल्स वेरियंसेस। अब सेल्स वेरियंसेस मतलब वही वेरियंस, मतलब क्या? बजट माइनस एक्चुअल, दैट इज बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। सेल्स वेरियंस के बेसिस पे उनका परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं हम। एक्चुअल सक्सेस, क्लियर एवरीवन? हुआ लिख के, कैन वी प्रोसीड थर्ड वन? रुकना है इसको तो बोलो प्रगुन। प्रगुन डन, ओके। रेवेन्यू सेंटर, नेक्स्ट इज प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर तो ऑब्वियसली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर, कैन आई से बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट? प्रॉफिट्स मतलब करेक्ट, बोथ रेवेन्यू जनरेशन एंड कॉस्ट्स। रेवेन्यू एंड कॉस्ट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा प्रॉफिट सेंटर। जैसे कि कैन आई से अ ब्रांच मैनेजर विल बी अ प्रॉफिट सेंटर? देखो समझाएगा सबको, क्योंकि ब्रांच, पूरा ब्रांच मैनेज करने वाला पर्सन, वो तो उसके सेल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, कॉस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, करेक्ट? तो ब्रांच मैनेजर हो सकता है या फिर टॉप मैनेजमेंट के बाकी लोग हो सकते हैं, बिचार हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ प्रॉफिट कॉस्ट। तो ब्रांच मैनेजर हो सकता है, फिर हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है तो वो हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मतलब क्या? लेट से हम हमारे फैक्ट्री से कई स्टोर्स में गुड्स स्टोर करते हैं, मतलब लेके जाते हैं एंड स्टोर से कस्टमर्स को बेचते हैं, तो वो स्टोर का जो मैनेजर होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर, वो रिस्पॉन्सिबल होगा दोनों के लिए, सेल्स के लिए एंड उसके खुद के कॉस्ट के लिए। तो प्रॉफिट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यू जनरेशन एंड कॉस्ट। कॉस्ट मतलब उसके कॉस्ट, सब कॉस्ट नहीं कंपनी के। ठीक है, इनका परफॉर्मेंस कैसे मेजर करना चाहिए? मुझे बोलो मतलब, हाँ करेक्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्रॉफिट होगा, लेकिन मेजर कैसे करेंगे कि मतलब उन्होंने क्या करना चाहिए था और क्या किया? हाउ विल वी मेजर दिस? क्योंकि अब मुझे बोलो प्रॉफिट का डिफरेंस निकालने में कुछ पॉइंट है क्या? नहीं, प्रॉफिट का परसेंटेज मतलब कैसे क्या निकाल सकते हैं? मतलब हम कहीं पे तो ये वर्ड सुना होगा आपने, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट का कहने से रेशियो निकाल सकते हैं हम सेल्स के साथ, राइट? मतलब ऐसा निकाल सकते हैं क्या कि सेल्स 100 की है तो प्रॉफिट कितना हुआ, सेल्स 100 के तो जीपी कितना हुआ, एनपी कितना हुआ? कैन वी फाइंड दैट परसेंटेज बेसिस में? एंड व्हाट विश्वजीत इज सेइंग इज करेक्ट कि ग्रॉस प्रॉफिट के पे फोकस करना चाहिए हमने ज्यादा, बिकॉज कहने से ग्रॉस प्रॉफिट मतलब उनके एक्चुअल काम से आया हुआ प्रॉफिट है, ऑपरेशन से। फाइन, तो परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग जीपी रेशियो और एनपी रेशियो एटसेट्रा।
हाँ कभी तो सीखा होगा, जीपी रेशो मतलब क्या, जीपी अपॉन सेल्स, एनपी रेशो मतलब क्या, एनपी अपॉन सेल्स। अच्छा 12th में था क्या तुम्हें, अब एफएम में सीखोगे वापस। हाँ और फाउंडेशन में पहले होता था लेकिन आपके वक्त निकाला था वो। एफएम में सीखोगे सेकेंड ग्रुप में आप रेशियो एनालिसिस, तो मतलब एटसेट्रा। ऑब्वियसली नॉट ओनली दिस, प्रॉफिट के भी वेरिएंसेस होते हैं, वो भी निकाल सकते हैं हम, ऑल्दो दे आर नॉट दैट यूजफुल, क्योंकि प्रॉफिट का डिफरेंस लेके क्या करेंगे वैसे भी, सेल्स और ये चेंज हुआ तो प्रॉफिट तो चेंज होने ही वाला है इन एनी केस। एंड लास्ट लेट मी नो व्हेन दिस इज डन, फिर लास्ट पे जाते हैं। डन ओके, लिखो लिखो फास्ट। प्रगुण डन, प्रगुण डन डन ओके ओके ठीक हो। इन्वेस्टमेंट सेंटर, ये क्यों अलग से डिफाइन किया है? देखो इन्वेस्टमेंट सेंटर बिकॉज ठीक है, ब्रांच मैनेजर होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन रिटेलर्स रिटेल सेंटर होगा हमारा, एक शॉप होगा कंपनी का, उनको जनरली जो प्रॉफिट्स मिलते हैं वो आगे इन्वेस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी नहीं होती है, क्योंकि लॉजिकली कहने से वो अथॉरिटी सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए कि वो प्रॉफिट्स कहाँ पे लगाने हैं बिजनेस में। इज दैट करेक्ट? फाइन, तो इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम क्या होता है, इट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, मतलब जो फंड्स हमारे पास आते हैं, जो पैसे हमारे पास आते हैं उनको अप्लाई करना। अब वो अप्लाई करना मतलब क्या, एक तो बिजनेस में ही अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, कोई नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स टू जनरेट, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स टू जनरेट मैक्सिमम रिटर्न्स, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कंपनी को मिलना चाहिए, ऐसा इन्वेस्टमेंट उन्होंने करना चाहिए। फिर वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में हो सकता है, बिजनेस के ऑपरेशंस में, कोई नए प्रोजेक्ट में हो सकता है, कोई नए फिक्स्ड एसेट में हो सकता है, नए ब्रांच में हो सकता है, नए टेक ओवर एक्विजिशन में हो सकता है, डिविडेंड देने के लिए हो सकता है, इट कैन बी फॉर एनी रीजन। डू यू थिंक कॉस्ट मैनेजमेंट में ये पार्ट आएगा हमें? कॉस्ट कॉस्ट मैनेजमेंट जो चैप्टर जो सीख रहे हैं हम ये सब्जेक्ट में, उसमें ये पार्ट आएगा क्या इन्वेस्टमेंट का? लॉजिकली नहीं, क्योंकि वी आर कंसर्न विथ कॉस्ट, हम बिजनेस के कॉस्ट से मेनली कंसर्न है, कॉस्ट एंड रेवेन्यूज। वो जो पैसे आते हैं वो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके वो कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं उस पे हम सीएमए मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मतलब उससे कंसर्न नहीं है हम अभी। उससे आप कंसर्न कब होने वाले हो? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, व्हेन यू गो टू ग्रुप टू सेकेंड ग्रुप। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में व्हेन यू गो, वहां पे यू विल नॉट बी कंसर्न विद कॉस्ट के डिटेल्स, फिर वहां पे कॉस्ट के इनसाइड डिटेल्स, ये फिर मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, इससे आप कंसर्न नहीं होंगे। वहां पे आप किससे कंसर्न होंगे? प्रॉफिट जो फाइनल आता है उसको कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ठीक है, फिर भी ये फोर्थ टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है तो लिख लेते हैं। इनका परफॉर्मेंस मेजर करना है तो वी यूज समथिंग कॉल्ड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, करेक्ट, आरओआई। अगेन ये रेशो आप एफएम में सीखोगे, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए वी यूज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब ये एक हुआ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ऐसे बहुत सारे रेशियोज होते हैं जो आप सीखोगे वहां पे जाके। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इन शॉर्ट क्या, कि हमें रिटर्न कितना मिला डिवाइडेड हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था, दैट्स इट।
कि 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट के लिए कितना रुपीज रिटर्न मिला आपको, दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट। उसमें बहुत सारी चीजें होती है, वो एफएम में सीखोगे आप फॉर्मूला में। यस हाँ, इसका एग्जाम्पल क्या होगा काव्या, तुम्हें कैन एनीवन टेल मी कौन आएगा इसमें? एक पोस्ट होता है कंपनी में सीएफओ। सीएफओ मींस व्हाट? ठीक, फाइनेंशियल ऑफिसर या चीफ फाइनेंस ऑफिसर। करेक्ट, कहने से ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। मतलब नॉट ओनली हिम, उसके नीचे जो लोग आएंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो भी ऑब्वियसली, राइट? तो सीएफओ एंड उसके नीचे जो लोग आएंगे वो इसमें होंगे। या फिर कहने से अगर हमारी एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है, इंडिपेंडेंट ब्रांच एज इन लेट से हमारी एक ब्रांच है दूसरे कंट्री में, वी हैव अ ब्रांच इन सम अदर कंट्री, कहने से लॉजिकली वो कंट्री के ब्रांच को ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि खुद का इन्वेस्टमेंट करे पैसों का, राइट? हर बार हम यहाँ से डिसीजन नहीं ले सकते कि तुम ये करो अब ये करो, तो ऑब्वियसली सच ब्रांचेस माइट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि खुद का इन्वेस्टमेंट करो। तो ऐसे ब्रांचेस उसके हेड्स, उनको इन्वेस्टमेंट सेंटर बोल सकते हैं हम। फिर कभी कभी कंपनीज क्या करते हैं, सब्सिडियरीज फॉर्म करते हैं। सब्सिडियरी मतलब हम कंपनीज एक्ट में आपने सीखा होगा फाउंडेशन में, सब्सिडियरी मतलब क्या, कंपनी जिसको हम कंट्रोल करते हैं, कंपनी जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे सब्सिडियरीज कभी कभी फॉर्म करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट सर। सब्सिडियरी फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिंग एक्सेस फंड्स। तो ऐसे कुछ सब्सिडियरीज फॉर्म किए सपोज कि जहां से हम एक्सेस फंड्स इन्वेस्ट करते हैं आगे, मतलब एक कंपनी है उसके थ्रू हम आगे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ऐसा, तो उसको फिर इन्वेस्टमेंट सेंटर बोल सकते हैं हमारी कंपनी का। सो गॉट इट काव्या? हाँ बोलो प्रगुन, कौन? ओके, अब देखो ये हम सोच रहे हैं प्रगुन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होम एक कंपनी, राइट? तो कहने से हमारे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो हमारे कंपनी का पार्ट के पे फोकस कर रहे हैं हम अभी सिर्फ, राइट? मतलब इन्वेस्टमेंट सेंटर मतलब क्या, हमारे कंपनी का ऐसा पार्ट जो इन्वेस्टमेंट करता है, नॉट एनी पर्सन जो इन्वेस्टमेंट करता है। करेक्ट, बट कहने से उनका काम ही इन्वेस्टमेंट करना, उनका बिजनेस ही है इन्वेस्ट करना, राइट? हाँ मतलब अगर कोई पर्सन है या कोई बिजनेस है जिनका काम ही है, जिनका बिजनेस ही है कि इन्वेस्ट करो, एक वेंचर कैपिटलिस्ट है सपोज कि जो इन्वेस्ट करता है अलग बिजनेसेस में, तो कहने से वो पर्सन ही इन्वेस्टमेंट सेंटर है फिर खुद, राइट? हाँ मतलब वही उसका काम है। करेक्ट, वॉरेन बफेट, तो उनका काम ही है इन्वेस्ट करना। तो ऑब्वियसली उस केस में कहने से हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग के रूल्स होते हैं वो अप्लाई नहीं होंगे, या सर्विस सेक्टर के, मतलब ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन वगैरह वो सब अप्लाई नहीं होगा वहां पे, कुछ अलग क्लासिफाई करना पड़ेगा हमें इन सच केसेस। ठीक है, एनी अदर डाउट अप टू दिस पॉइंट एनीवन? तो अब हम वो क्लासिफिकेशन पे आ सकते हैं। हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, उसमें अब फर्स्ट हम देख सकते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट्स। लिखो दो ही है इसमें सिर्फ, क्या होगा कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। तो अब ये देखना क्यों नेसेसरी था कंट्रोलेबल कॉस्ट्स के लिए। देखो अब कॉस्ट को हमें से डायरेक्टली कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल नहीं बोल सकते, बिकॉज कहने से एक कॉस्ट मैंने बोला सपोज रॉ मटेरियल परचेस कॉस्ट, तो कहने से ये परचेस मैनेजर के लिए कंट्रोलेबल है लेकिन सेल्स मैनेजर के लिए अनकंट्रोलेबल है। मतलब ये जो कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल का क्लासिफिकेशन होने वाला है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन। मतलब एक जस्ट एक कॉस्ट है उसको क्लासिफाई कर दिया, ऐसा नहीं होगा वो। इट विल बी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सम कॉस्ट सेंटर, इज दैट करेक्ट? किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि वो कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता है। डज एवरीवन एग्री? ओके, तो लिखो
कॉस्ट्स विच आर कंट्रोलेबल बाय अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। जैसे कि जो हमने अभी दो तीन बार देखा, परचेस मैनेजर के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट, फिर शायद स्टोर्स मैनेजर के लिए स्टोरेज कॉस्ट एटसेट्रा। तो मुझे तो अगर फैक्ट्री रेंट बोला मैंने, तो ये परचेस मैनेजर के लिए क्या होगा, कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल? अनकंट्रोलेबल। स्टोर्स मैनेजर के लिए अनकंट्रोलेबल, बट ब्रांच मैनेजर के लिए कंट्रोलेबल, क्योंकि वो तो सब मैनेज करता है, फैक्ट्री ऑफिस वो ब्रांच पूरा, तो उसके लिए तो कंट्रोलेबल होगा। फिर पावर डिवाइड कर रखा है तो भी कहने से इसका डिसीजन तो फाइनल होगा। करेक्ट ना, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो अकाउंटेबल होगा, बट कहने से वो उसको, वो इसको अकाउंटेबल होगा, एंड ये आगे सामने वाले को अकाउंटेबल होगा, उसके ऊपर वालों को। करेक्ट, मतलब एनीवन, इसका इसका जो सबऑर्डिनेट होगा अल्ताफ, जिसको इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, एंड कहने से ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा खुद। ओके ठीक है, तो इनको बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। तो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होगा? हाँ, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट का डेफिनेशन कुछ अलग से नहीं लिखेंगे, क्या होगा वो? करेक्ट, नॉट कंट्रोलेबल, बस। हाँ, नॉट कंट्रोलेबल बाय पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, करेक्ट। Got it? Okay. हाँ, प्रगुन ने खुद नहीं बोला। ओके तो मैं एक सेंटेंस लिखता हुआ, एक सेंटेंस, टेल मी इफ यू एग्री विद इट, मतलब ये समझा है क्या बोला आपको? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एज अ होल, मतलब कंपनी एज अ होल, नो कॉस्ट इज अनकंट्रोलेबल। पूरे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इफ वी कंसिडर एवरी पर्सन इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट, सीएफओ, सीईओ, एवरीवन, देन नो कॉस्ट इज अनकंट्रोलेबल, बिकॉज एवरी कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय समवन, इज दैट करेक्ट? अब कंट्रोल्ड का मतलब क्या, देखो फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री रेंट, अब कंट्रोल मतलब मुझे बोलो एक सर्टन लेवल के नीचे लेना पॉसिबल है क्या उसको? अगर हमें, लेट से, अगर हमें एक पर्टिकुलर जगह अगर हमें एक पर्टिकुलर जगह लगती है सपोज फैक्ट्री के लिए, तो एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे लेना उसको पॉसिबल नहीं है, बट कंट्रोलेबल देखते वक्त हमें एक्सट्रीम देखना है। देखो कहने से कोई भी कॉस्ट हमने देखा तो वी ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू आइदर इनकर इट और नॉट इनकर इट। मतलब अगर आपको फैक्ट्री का कॉस्ट आ रहा है तो भी आपके पास हमेशा एक ऑप्शन है कि फैक्ट्री बंद करो, बिजनेस बंद करो, ये ऑप्शन तो है ही, ऑब्वियसली एक्सट्रीम ऑप्शन है, बट इट इज ऑलवेज देयर। मतलब वी कैन नॉट से कि ऑल कॉस्ट आर, मतलब कोई कॉस्ट ऐसा नहीं बोल सकते कि वो कंट्रोलेबल ही नहीं है बिल्कुल। सो टू सम एक्सटेंट एवरी कॉस्ट इज कंट्रोलेबल,
सो इसलिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एज अ होल नो कॉस्ट इज अनकंट्रोलेबल, एवरी कॉस्ट इज कंट्रोलेबल टू सम एक्सटेंट. ऑब्वियसली कुछ कॉस्ट थोड़े ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे, कुछ कॉस्ट थोड़े कम कंट्रोल कर पाएंगे. यस हाँ करेक्ट. सडन कॉस्ट कोई आया सपोज ऐसे अनएक्सपेक्टेड, तो वो कंट्रोल नहीं होगा राइट. बट मुझे बोलो काव्या, अगर लेट से लॉस ड्यू टू फायर हुआ सपोज, तो पहले तो कहने से कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल क्लासिफिकेशन आइडियली, मतलब एक बार वो हो चुका कॉस्ट तो फिर ये क्लासिफिकेशन का वैसे कुछ फायदा नहीं है इनकर हो जाने के बाद. करेक्ट, मतलब एक बार इनकर हो गया कॉस्ट, आग लग गई फैक्ट्री में, फिर वो कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल क्लासिफिकेशन का फायदा है क्या कुछ वैसे? कहने से आइडियली ये क्लासिफिकेशन पहले करना चाहिए कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. तो मुझे बोलो फैक्ट्री में आग लगना इज दैट ऑल्सो कंट्रोलेबल बाय सिक्योरिटी या सेफ्टी डिपार्टमेंट राइट? कोई बिजनेस में चोरी होना इज दैट ऑल्सो कंट्रोलेबल बाय सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस? कहने से एवरी कॉस्ट विल बी कंट्रोलेबल फ्रॉम समवन्स पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कंट्रोलेबल ही नहीं है. सपोज ऐसा कुछ हुआ लेट से एक एकदम बहुत बड़ा कंपटीशन आया, उसके वजह से हमारे सेल्स एकदम कम हो चुके, कहने से दैट इज ऑल्सो आइडियली कंट्रोलेबल बाय द डिपार्टमेंट विच फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी ऑफ द बिजनेस, क्योंकि उन्होंने देखना चाहिए था फिर वो. करेक्ट, एनीवन एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? नो, लेट्स कम टू क्वेश्चन बैंक दे. चलो अच्छा लिखो लिखो. प्रगुन का वार तुम्हारा नहीं हुआ, मतलब क्या है? श्रावणी भी लेक्चर में, श्रावणी बोल नहीं रही है, हैंड राइटिंग नहीं समझ रहा है, अदरवाइज वो लव में उसका फेवरेट डायलॉग था श्रावणी का, हैंड राइटिंग नहीं समझता है मेरा, हैंड राइटिंग मतलब नहीं समझता है, आई एग्री बट फिर भी वो एग्जामिनर को समझा तो बस, आपको खुद को भी नहीं समझा तो सही लिखा, वो एग्जामिनर को बस समझना चाहिए थोड़ा सा. वो भी सी है, वो भी ऐसे ही लिख के पास हुए होंगे शायद, क्या पता. डन, ठीक है. क्लासिफाई देना लास्ट वन बाय वन एंड में, पढ़ो सॉल्व वन बाय वन, पूछता हूं तब आंसर करो. कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर या इन्वेस्टमेंट सेंटर? अगर कोई डिपार्टमेंट के दो काम दोनों कर सकता है कॉस्ट या रेवेन्यू, लेकिन प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर कंसिडर करो कि कॉस्ट ज्यादा प्रोमिनेंट है या रेवेन्यू ज्यादा प्रोमिनेंट है, उसके बेसिस पर डिसाइड करो. बाद में बाद में बाद में, देख तुम्हें जो लगता है लिखो, तुम्हें ही पूछता हूँ. ठीक है.
डन। काव्या फर्स्ट, रेवेन्यू सेंटर, विश्वजीत सेकंड, कॉस्ट सेंटर, आकांक्षा थर्ड, कॉस्ट सेंटर, अल्ता फोर्थ। नहीं नहीं भाई भाई, क्या इतना तो है छोटा सा। अल्ता फोर्थ। ओके, अब अगर वो इंडिपेंडेंट ब्रांच है ऐसा अज्यूम किया तो इन्वेस्टमेंट सेंटर आ सकता है, अदरवाइज वो प्रॉफिट सेंटर आएगा सर, बिकॉज जनरली ब्रांचेस को हम इतनी अथॉरिटी नहीं देते। अगर अलग सिटी में है तो जनरली उनको इन्वेस्टमेंट की अथॉरिटी नहीं देते, वो मतलब सेंट्रल ही करते हैं। बट ऑब्वियसली अगर वो ब्रांच ऐसे इंडिपेंडेंट है तो फिर उसको इन्वेस्टमेंट सेंटर भी बोल सकते हैं, अज्यूमिंग अजम्पशन लिख के। फिर भाई भाई तुम ही बोलो। ई नहीं ना, ब्रांच ब्रांच मतलब प्रगुन फिर कॉस्ट के लिए भी तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना, खुद के पूरा ब्रांच, राइट? हाँ, तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू बोथ मतलब प्रॉफिट, करेक्ट ना? वैभवी सिंह इज इन्वेस्टमेंट सेंटर, दैट इज करेक्ट, क्योंकि सब्सिडियरी सेटअप टू मैनेज एक्सेस फंड्स एंड जनरेट रिटर्न, सो इन्वेस्टमेंट सेंटर करेक्ट, फाइन। मोहम्मद एफ, कॉस्ट सेंटर इज करेक्ट, क्योंकि उनके रेवेन्यू का अभी तक कुछ फिक्स नहीं होता है, जब व्हेन द प्रोडक्ट इज इन R&D फेज तो कॉस्ट इनकर करते हैं वो सर। श्रावणी लास्ट, जी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, मुझे बोलो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट इन्वेस्ट करता है क्या कहीं पे? क्या करता है वो? कॉस्ट इनकर करता है, राइट, एंड रेवेन्यू भी जनरेट करता है, बट उनका मेजरेबल ज्यादा कॉस्ट होगा रादर देन रेवेन्यू इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ओके, नॉट नेसेसरीली। अगर कहीं पे एडवर्टाइजिंग कैन बी डायरेक्टली लिंक विद रेवेन्यू तो फिर रेवेन्यू सेंटर ट्रीट करना ज्यादा बेटर रहेगा, बट दैट इज जनरली नॉट द केस। ठीक है, किसी को कुछ डाउट? क्या होगा तुम्हें बोलो, कॉस्ट। किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, अदरवाइज लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। चलो, पहले 10 करते हैं, वेरिएबिलिटी एंड फंक्शंस के बेसिस पे है वो क्लासिफिकेशन 10th में। अगेन खुद से करो, देन विल चेक। वेरिएबिलिटी में करना है आपको वेरिएबल फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल स्टेप लैडर भी होगा तो। फंक्शंस में आपको आइडियली वो नेचर का भी करो, मतलब मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अगर इनडायरेक्ट है तो एडमिन, मैन्युफैक्चरिंग या सेल्स। करो, देन विल चेक टुगेदर। वेरिएबल फिक्स एंड सेमी वेरिएबल करते वक्त याद रखो कि आपको देखना है वेदर इट इज वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स। हमारा जो कॉस्ट यूनिट है, कॉस्ट यूनिट मतलब जिस पे कॉस्ट मेजर करते हैं हम, उसके रिलेशन में देखो वेरिएबल है या फिक्स्ड है। मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस वो करो, फिर हाँ, फिर ओवरहेड होगा तो मैन्युफैक्चरिंग एडमिन सेलिंग भी करो ना, तो करो।
कैन वी चेक? ओके 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 करो करो। हाँ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को ट्रांसफॉर्मेशन ओवरहेड्स बोल सकते हैं, बोलना है तो प्रोसेसिंग ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं, बोलना है तो। आगे जाके हम उसको मोस्टली फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलेंगे, सो फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी द मोस्ट कॉमन यूज वर्ड आगे जाके। डन। कैन यू चेक? ओके विश्वजीत, फर्स्ट बर्गर ब्रेड्स यूज्ड इन मैकडॉनल्ड्स आउटलेट। बट मुझे बोलो बर्गर के ब्रेड्स कहने से उनके लिए वो तो, हाँ फिर हाँ डायरेक्ट मटेरियल करेक्ट, उनका वो प्रोडक्शन का ही है ना पार्ट, एंड वेरिएबल है फिक्स्ड। अच्छा मतलब कि कितने भी बर्गर्स लेने दो कस्टमर्स ने, उनको उतने ही ब्रेड लगेगा, ऐसा है क्या? नहीं, कहने से हर एक बर्गर के लिए उनको वो उतना स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ब्रेड लगेगा विश्वजीत, मतलब कहने से इट इज वेरिएबल, जैसे यूनिट्स चेंज होंगे वैसे वो बर्गर ब्रेड्स भी चेंज होंगे। ठीक है, सबको समझा है ना बाकी सबको? ओके अल्ताफ, तुम इसके बारे में बोल रहे थे तो तुम ही बोलो, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल। एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, करेक्ट। एंड नहीं, अब देखो सोचना कैसा है, हॉस्पिटल का कॉस्ट यूनिट क्या होता है, कॉस्ट पर क्या निकालेंगे हम हॉस्पिटल के केस में, पर पेशेंट, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि पर पेशेंट चेंज होता है क्या है कॉस्ट, नहीं तो विल कॉल इट फिक्स्ड। ठीक है, प्रगुन, प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ टोमेटोज टू केचअप इन अ फूड प्रोसेसिंग कंपनी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल है फिक्स्ड। वेरिएबल करेक्ट। ठीक है, मोहम्मद, शिपिंग केचअप बॉटल्स फ्रॉम फैक्ट्री टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, कौन सा ऊपर वाला बोल रही हो क्या काव्या? अच्छा, और प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब कैन बी अज्यूम कि वो एक्चुअल मशीन के कॉस्ट है ना, एंड अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है काव्या तो फिर उनको वेरिएबल ही बोलना, मतलब वेरिएबल ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली, राइट? मैं पता नहीं है ना क्या है कि अगर हमने अज्यूम कर सकते हैं चाहिए तो, बट कैन आई से मोर लॉजिकल असम्पशन वुड बी वेरिएबल काव्या, क्योंकि पता ही नहीं है ना क्या है। ठीक है, मोहम्मद, फोर्थ, करेक्ट
ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, ऑन कौन सा ओवरहेड होगा वो, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन या सेलिंग? सेलिंग ओवरहेड, करेक्ट। एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी स्टेप लैडर कॉस्ट, दैट इज करेक्ट, क्योंकि शिपिंग केचअप बॉटल्स, मतलब वो एक टेम्पो में या एक ट्रक में उतने ही केचअप बॉटल्स फिट होंगे, तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी स्टेप लैडर कॉस्ट। देन काव्या इंश्योरेंस ऑफ अ क्लासरूम, एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट है, विच ओवरहेड? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, करेक्ट। अब क्लास क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट यूनिट क्या होता है, वी कैलकुलेट कॉस्ट पर वॉट? हाँ दैट इज करेक्ट, एडमिन या फिर एक्चुअल सर्विस में भी जा सकता है उनके, दैट इज ओके, करेक्ट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट में भी जा सकता है, फाइन। काव्या वेरिएबल है फिक्स्ड, हम कॉस्ट यूनिट मतलब कॉस्ट पर व्हाट निकालते हैं हम क्लासरूम के केस में, क्लास के केस में हमें कॉस्ट पर व्हाट लगेगा, कॉस्ट पर क्या, पर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के बेसिस पे इंश्योरेंस चेंज होगा? नहीं, तो फिक्स्ड, राइट। हाँ मतलब इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, हमें करना है तो सर मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं, करना है तो एडमिन में कर सकते हैं। कहने से प्रोबेबली क्लास के कॉस्टिंग करते वक्त मैन्युफैक्चरिंग और एडमिन ऐसा क्लासिफिकेशन ही नहीं करेंगे हम, मोस्ट प्रोबेबली अलग अलग से, राइट। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, जैसे मैंने फर्स्ट डे को आपको बोला था कॉस्टिंग में देयर आर नो मतलब सेट रूल्स कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, तो आपको जो अप्रोप्रिएट लगता है बेस्ड ऑन सिचुएशन दैट इज वॉट यू शुड डू, बट मोस्ट लॉजिकली दैट इज करेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट में या फिर एडमिन वाले पार्ट में कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है, मे बी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा लॉजिकल होगा, आई एग्री। वैभव भी सिक्स, डेप्रिसिएशन ऑफ अ वॉच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, टोटल मतलब टोटल मतलब टोटल है वो, ऐसा बोल जाएगा, ठीक है, फास्ट। फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इनडायरेक्ट है, करेक्ट, विच ओवरहेड? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, करेक्ट। आकांक्षा, डोर्स अटैच्ड टू कार्स इन एन ऑटोमोबाइल फैक्ट्री, वेरिएबल, करेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, करेक्ट, क्योंकि डोर्स तो डायरेक्ट मटेरियल है हमारा ऑटोमोबाइल फैक्ट्री के केस में, गुड, फाइन। सो एक और क्वेश्चन ऊपर का, नाइन्थ बचा है, लेकिन नाइन्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके पहले हम एक लास्ट वाला क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, सिंपल है, छोटा सा है, उस पर अभी इस क्वेश्चन बैंक में तो क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि हर एक चैप्टर में आने वाला है ये क्लासिफिकेशन। क्या था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन? नॉर्मैलिटी, करेक्ट। नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट, अकाउंट्स में शायद आपने सीखा होगा कहीं पे। नॉर्मल कॉस्ट मतलब क्या? हाँ, नॉर्मल कॉस्ट मतलब क्या? कॉस्ट विच आर इनकर्ड, कॉस्ट विच आर नॉर्मली इनकर्ड, कॉस्ट विच आर नॉर्मली मतलब जनरली इनकर्ड एट करंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब अभी जिस जितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उसके लिए जनरली वो जो कॉस्ट आते हैं उनको बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट, जैसे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, जो मतलब सब प्रोसेसिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, सब नॉर्मल कॉस्ट है, अनलेस इट इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। फिक्स्ड ऐसा नहीं, वेरिएबल भी हो सकता है, बट मतलब कहने से एक यूनिट प्रोड्यूस किया तो उतना लगने ही वाला है ऐसे, या फिर टोटल बेसिस पे उतना ऑपरेट करे तो उतना लगने ही वाला है, तो इट कैन बी वेरिएबल ऑल्सो, फिक्स ऑल्सो, एनीथिंग, बट इट इज नॉर्मली इनकर्ड। जैसे कि काव्या अब
एग्जाम्पल एबनॉर्मल का देना ज्यादा बेटर रहेगा. कैन आई से थेफ्ट ऑफ मटेरियल विल बी एबनॉर्मल कॉस्ट, राइट? फायर इन फैक्ट्री विल बी एबनॉर्मल कॉस्ट. या फिर लेट से जनरली हमारे फैक्ट्री में डिफेक्टिव, जनरली क्वालिटी अच्छी होती है हमारे प्रोडक्ट्स की, बट सडनली कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बन गए, तो कैन आई से दैट विल बी एबनॉर्मल कॉस्ट. फाइन, अब अभी मत लिखो, कॉन्सेंट करो पहले, क्योंकि इसमें और दो पॉइंट्स ऐड करने वाला हूं मैं. पहले समझ लो सर, एबनॉर्मल कॉस्ट मतलब नॉट नॉर्मल, वो तो ठीक है, जैसे कि फायर, डिफेक्टिव्स, या फिर कोई तो मतलब वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज मतलब एटसेट, ठीक लॉस एंड ट्रांजिट वगैरह एटसेट्रा. अब लिखो मत, अभी अभी समझ लो पहले कि एबनॉर्मल कॉस्ट जो है एंड नॉर्मल कॉस्ट जो है, विच वन डू यू थिंक विल बी कंट्रोलेबल? ओके ओके, विच वन डू यू थिंक आर अवॉइडेबल? एबनॉर्मल, दैट इज करेक्ट. अकाउंट्स में भी आपने सीखा है, आई होप. दीज आर अवॉइडेबल. मिसहैप हो सकता है अल्ताफ, बट कैन आई से इट कैन ऑल्सो बी अवॉइडेड, वेर एज नॉर्मल कॉस्ट आर अनअवॉइडेबल. अगर रॉ मटेरियल में परचेस करना है तो वो करना ही पड़ेगा, उसके बिना हम प्रोडक्शन कर पाएंगे क्या? नहीं, राइट? तो हाँ, मतलब अवॉइडेबल मतलब कंट्रोलेबल, कि दे कैन बी कंट्रोल टू सम एक्सटेंट, वेर एज नॉर्मल मतलब अबनॉर्मल कॉस्ट कैन बी कंट्रोल टू लार्जर एक्सटेंट, वेर एज नॉर्मल कॉस्ट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड दैट मच. मतलब एक लेवल के नीचे हम रॉ मटेरियल कॉस्ट को या फैक्ट्री रेंट को ला नहीं सकते, वेर एज एबनॉर्मल कॉस्ट कैन बी टोटली कंट्रोल्ड, अवॉइडेड. गॉट इट? तो एबनॉर्मल कॉस्ट आर अवॉइडेबल, नॉर्मल कॉस्ट आर अनअवॉइडेबल. इसमें हमें एक चीज देखनी है सर, एक पॉइंट देखना है, कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली. लेट से वी हैव अ प्रोडक्ट हमारे फैक्ट्री में, हम हमारे फैक्ट्री में पेंस बनाते हैं, और हम हमारे फैक्ट्री में लेट से कुछ तो स्टेपलर्स बनाते हैं. कॉन्सेंट्रेट केयरफुली. पेंस के सेल्स थे 10 लैक्स, पेंस का कॉस्ट था लास्ट ईयर का 8 लैक्स, पेंस का प्रॉफिट था 2 लैक्स. स्टेपलर के सेल्स थे लास्ट ईयर लेट से 8 लैक्स, स्टेपलर का कॉस्ट था लेट से 5 लैक्स, सेल्स का स्टेपलर का प्रॉफिट था 3 लैक्स. कहने से स्टेपलर ज्यादा प्रॉफिटेबल दिख रहा है. कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली. सपोज स्टेपलर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले मशीन को आग लग गई, कहने से देयर विल बी लॉस बाय फायर, प्रोडक्शन स्टॉप होगा, मशीन रिप्लेस करना पड़ेगा, बहुत सारे कॉस्ट आएंगे वहां पे रिपेयर्स मेंटेनेंस के. टेल मी, आर दे नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट? एबनॉर्मल कॉस्ट, ठीक है. लेट से मशीन को जो फायर लगा उसके वजह से हमें एक 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ, रिपेयर्स मेंटेनेंस और ये सब मिलके. अब प्रॉब्लम क्या होगा, अगर हमने 4 लाख का कॉस्ट इसमें इंक्लूड कर दिया तो स्टेपलर्स का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 9 लैक्स. एंड फिर स्टेपलर्स में क्या दिखेगा, प्रॉफिट या लॉस? लॉस दिखेगा, कितने का? 1 लाख का. बट मुझे बोलो, स्टेपलर्स डिपार्टमेंट का फॉल्ट है क्या उसमें कुछ? मतलब फॉल्ट हो सकता है फायर में, बट उनके प्रॉफिट मतलब उनके सेल्स परचेस ये वाले डिपार्टमेंट का फॉल्ट है क्या उसमें कुछ? नो, उनके सेफ्टी डिपार्टमेंट का फॉल्ट हो सकता है, दैट आई एग्री, ठीक है, बट आइडियली फिर उनके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट होना चाहिए क्या उस कॉस्ट का? नहीं, मतलब कहने से 1 लाख अगर लॉस दिखाया तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि स्टेपलर बेच के हमें लॉस हो रहा है, लेकिन स्टेपलर बेच के लॉस हो रहा है क्या हमें सच में? नहीं, वो लॉस हुआ है फायर के वजह से, राइट? तो फिर कैन वी डू समथिंग लाइक दिस, कि ये जो मशीन का, ये जो फायर का एबनॉर्मल कॉस्ट होगा
उसको हम स्टेपलर्स पे या पेंस पे नहीं लेंगे, उसको हम हमारे टोटल कॉस्ट में डायरेक्टली माइनस कर देंगे। उसको हम प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट में माइनस ही नहीं करेंगे, उसको हम हमारा जो मेन P&L अकाउंट होगा ना उससे माइनस कर देंगे डायरेक्टली। अगर हमने पेंस का अलग से P&L अकाउंट बनाया, स्टेपलर्स का अलग से P&L अकाउंट बनाया और टोटल में अलग से P&L अकाउंट बनाया, तो ये फायर का कॉस्ट हम डायरेक्टली यहाँ पे ले लेंगे। डज एवरीवन एग्री? मतलब देखो, एक ट्रीटमेंट ऐसा हो सकता है कि पेंस को दिखाओ प्रॉफिट है 2 लाख का, स्टेपलर्स को लॉस कितना आएगा अगर वो फायर का कॉस्ट लिया तो? वन वन लाख लॉस आएगा, राइट? 1 लाख लॉस आएगा। अब ट्रेडिंग P&L ऐसा बाइफरकेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे कॉस्टिंग में। सो ट्रेडिंग P&L भूल जाओ, इट इज सेम। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्लासिफाई वैसे भी कर रहे हैं, तो मुझे बोलो, मतलब कॉस्टिंग के लिए भूल जाओ। मुझे बोलो टोटल में कितना आएगा फिर प्रॉफिट लॉस? 1 लाख का प्रॉफिट आएगा। यहां तक सबको समझा है 100%? अगर ऐसे लिया तो, इफ इंक्लूडेड इन स्टेपलर कॉस्ट, क्लियर है सबको ये? यस नो? ओके। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, पहले ये समझ लो फिर बाद में लिखो। लेकिन अगर आइडियली करेक्ट ट्रीटमेंट करना है तो कहना से ऐसे करना चाहिए मैंने कि पेंस का प्रॉफिट कितना दिख रहा है अभी? 2 लाख। स्टेपलर्स का प्रॉफिट विदाउट एबनॉर्मल कॉस्ट कितना दिख रहा है? 3 लाख। एंड एबनॉर्मल कॉस्ट कितना है? 4 लाख लॉस हुआ है, राइट? तो कहने से 4 लाख अलग से अगर माइनस किया तब भी टोटल 1 लाख ही आएगा प्रॉफिट। बट कहने से दिस इज अ बेटर प्रेजेंटेशन। हाँ देखो, हाँ प्रॉब्लम मतलब कहने से स्टेपलर से यहाँ पे लॉस दिख रहा है, बट मुझे बोलो काव्या, स्टेपलर्स बेच के लॉस हो रहा है क्या हमें सच में? नहीं तो अगर हमने एक से लेट से 4 साल का स्टेपलर का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट प्रेजेंट किया तो बीच में एक ही साल में लॉस दिखेगा, बट कहने से दैट विल बी एबनॉर्मल, मतलब दैट इज नॉट करेक्ट। एंड कहने से वो लॉस हमें स्टेपलर बेच के नहीं हुआ है, वो लॉस हमें फायर की वजह से हुआ है। गॉट इट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो फिर इससे मैं दो सेंटेंसेस लिखता हूँ। हाँ लिख लो इसको, एक दो सेंटेंसेस इसमें मैं लिखता हूँ। टेल मी इफ यू एग्री विद दो स्टेटमेंट्स। आपने अकाउंट्स में भी देखे ये स्टेटमेंट्स। नॉर्मल कॉस्ट में कैन आई से दीज आर स्प्रेड ओवर ऑल गुड यूनिट्स। मतलब ये नॉर्मल कॉस्ट है 8 लाख और 5 लाख, ये तो हम पूरे सेल्स पे स्प्रेड कर दे रहे हैं। वेर एज एबनॉर्मल कॉस्ट को दीज आर चार्ज टू मेन P&L अकाउंट। इज दैट करेक्ट? उसको हम बोलेंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट। दीज आर चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, मतलब प्रोडक्ट वाइज उनको लेंगे नहीं हम, उनको डायरेक्टली टोटल जो P&L होगा हमारा उसमें डाल देंगे, डेबिट कर देंगे उनको। अब ये हर एक चैप्टर में आने वाला है नॉर्मल एंड अबनॉर्मल का कंसेप्ट, तो उसका एक्चुअल कैलकुलेशन हमें हर एक चैप्टर में देखना है। ये पहले नोट करो, फिर एग्जांपल नोट कर सकते हो, देन विल स्टॉप फॉर टुडे। क्या ऑल, क्या क्या प्रगुण कर सर? हाँ अलतब ठीक है, तुमने लिखा है तो यू कैन लीव, दैट इज ओके। अरे प्रगुण तुम्हारा आवाज कट हो रहा है, वापस बोलो। हाँ क्या है, कोई बोल सकता है मुझे सेकेंड पॉइंट क्या है? दीज आर स्प्रेड ओवर ऑल गुड यूनिट्स। अरे ऐसा ही हैंडराइटिंग है मेरा, हैंडराइटिंग चेंज नहीं किया हो। और इससे अच्छा अगर मैं निकाला तो मतलब 9 बजे लेक्चर खत्म होगा हमारा, फाउंडेशन में अच्छा था ना थोड़ा सा।
लॉ में आपको ज्यादा लिखा होगा ना यहाँ पे। एक तो यहाँ पे मैं सही हैंडराइटिंग निकालने वाला हूँ, क्यों देखो, क्योंकि आई एक्सपेक्ट यू डोंट कॉपी दिस, आई एक्सपेक्ट दैट यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, लेकिन वो तो आप करते नहीं हो, करना है। अब नेक्स्ट चैप्टर से तो मैं जो लिखूंगा वो दिखाऊंगा भी नहीं आपको वैसे भी, तो आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा। क्वेश्चंस वगैरह आई एम नॉट गोइंग टू कीप ऑन द स्क्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आपको फास्ट फास्ट करना है मेरे साथ, यू हैव टू मेक दैट अ हैबिट। आर्टिकलशिप में ऐसा बोलो क्या वो प्रिंसिपल को आपके कि रुको जरा सर मुझे लिखने दो, क्लाइंट को बोलो कैसे? नहीं ना, तो टाइम है उसकी तो प्रिपरेशन करना है हमें अब। नहीं, फाउंडेशन हो गया अब उसका कुछ नहीं। हाँ अब तो मैंने बोला ना, अब तो आपका कुछ सुनने वाला ही नहीं हूँ मैं। बिकॉज मेक इट अ हैबिट प्रगुन, सच में, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू शो यू लेटर ऑन जो मैं थियोरी लिखूंगा या क्वेश्चन भी ज्यादा टाइम, आई एम नॉट गोइंग टू शो ऑन द स्क्रीन, बिकॉज यू हैव टू मेक इट अ हैबिट कि मेरे साथ में फास्ट आपका होना चाहिए। यस, लहा ना होता सुन, गुड। एंड नोट्स भी आपके आपको समझने चाहिए, ऐसे फॉर्मेट में लिखो सो दैट दोज आर फॉर यू एनी वे, तो ठीक से लिख लो उनको, नॉट कि एकदम ऐसे बहुत अच्छा हैंड राइटिंग चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल में तो आपको टाइम नहीं मिलेगा फिर तो, मतलब ऐसे अप्रोच से गए तो फाइनल में तो इट इज मतलब क्वेश्चंस भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपको पता है कि फाइनल का जो मॉड्यूल है नया स्ट्रेटेजी, मतलब एससीएमपी सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, उसमें एक क्वेश्चन दिया है आईसीएआई ने। क्वेश्चन 3 पेजेस तक जाता है, वो 3 पेजेस का क्वेश्चन है एंड उसका आंसर अराउंड 14-15 पेजेस का है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखने गए तो होगा क्या, कभी लिखते कभी नहीं लिखते हो गए? 14-15 वो उन्होंने दिया हुआ सोल्यूशन है, ऑब्वियसली इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारा सोल्यूशन वैसे आएगा। एंड फाइनल में अभी भी अब धीरे धीरे इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपका सोल्यूशन उनके सोल्यूशन के, मतलब इंटर में तो होगा, इंटर में कैलकुलेशन बेस्ड है सब्जेक्ट हमारा, फाइनल में हमारा सब्जेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होने वाला है। धीरे धीरे इसके भी जब एंड चैप्टर्स में जाएंगे ना, मार्जिनल कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आपको धीरे धीरे समझेगा कि हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड होता जाएगा, मतलब आपको सिचुएशन को एनालाइज करना है रादर देन न्यूमरिकल। फाउंडेशन मतलब फाइनल में तो और शिफ्ट हो जाएगा, मतलब न्यूमरिकल्स विल बी ऑफ वेरी लेस इंपॉर्टेंस कैलकुलेशन एंड आपका कंक्लूजन आपका एनालिसिस विल बी ऑफ मोर इंपॉर्टेंस, तो उस पर शिफ्ट करना है धीरे धीरे। वैसा अप्रोच रखो सब लोग कि वेन एवर यू सॉल्व ट्राई टू एनालाइज इट, ट्राई टू ड्रॉ सम कंक्लूजन फ्रॉम इट। बिकॉज न्यूमेरिकल्स क्या तो कोई भी कर सकता है, कैलकुलेशंस कैन बी डन बाय कंप्यूटर ऑल्सो, बट उसका एनालिसिस इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अस। ये भी नोट कर लो बस एग्जाम्पल। हाँ यस काव्या, रिजल्ट का नहीं, नहीं नहीं आया अभी तक तो नहीं आया है। जनवरी वाले लोग अभी तक तो नहीं आया है। फोर्टीन फिफ्टीन बोल रही हो, अच्छा 14 को चाहिए भाई कोई तो मेरी तरफ, 14-15 को। ओके तो क्या क्या किसमें क्या डीमैट अकाउंट? मेरा डीमैट अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में, क्यों ऐसे ही? अच्छा ओके डन एवरीवन। हाँ डन, ठीक है तो आज के लिए देर इज नो होमवर्क, अब 2 क्वेश्चंस बचे हैं। कल हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, एंड मतलब क्या, अब इस चैप्टर को हमें ये देखना है कि हमारा पूरा सिलेबस क्या होने वाला है, तो कल विल बी लाइक सिलेबस का हर एक चैप्टर देखेंगे क्या क्या होने वाला है एंड बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट फ्रॉम नेक्स्ट डे वी कैन स्टार्ट विथ नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है? हाँ वो छोटे छोटे थियरी क्वेश्चन है ना,
ओके चलो देन, बाय एवरीवन. यस बाय. थैंक यू.